वेलकम है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी एडिशनो पे। आज हम लोग NVS कला का पेपर सॉल्व करेंगे जिसकी आंसर की आ चुकी है। इसका पेपर हुआ था 3 अक्टूबर 2019 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बाड़ी थाड़ी चित्रकारी किस कवि की कविता से प्रेरित है। तो यहाँ पर बाड़ी थाड़ी नहीं, बनी ठनी चित्रकारी किस कवि की कविता से प्रेरित है। ऑप्शन हैं आपके राजा सावंत सिंह, ईश्वरी सेन, जगत सिंह, संसार चंद। तो राजा सावंत सिंह यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस कलाकार ने शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट बनाई थी। ऑप्शन हैं आपके सुबोध गुप्ता, धनराज भगत, अनीश कपूर, राम किंकर बैच। तो ऑप्शन नंबर 3 जो यहां पर हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी कि अनीश कपूर ने क्लाउड गेट मूर्ति बनाई है। कहाँ बनाई है? शिकागो में बनाई है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संसद की इमारत को डिज़ाइन करने वाला वास्तुकार कौन सा, यानी कि जो भारतीय संसद है तो इसको डिज़ाइन किसने किया, किस वास्तुकार ने डिज़ाइन किया है? तो सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा कलाकार लोक कला कला के लिए प्रख्यात है? तो लोक कला के लिए कौन सा चित्रकार फेमस है? तो जैमिनी राय आपके फेमस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू एवं बुद्ध के मिथक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? तो सिस्टर निवेदिता ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त काल से संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्तिकला इनमें से किस जानवर पर खड़ी दर्शाई गई है? तो मगरमच्छ पर खड़ी दर्शाई गई है। क्वेश्चन नंबर 7, बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया था? तो बादामी गुफा आपके कहाँ है? कर्नाटक में है। किसने करवाया था? चालुक्य राजवंश ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत माता को किसने चित्रित किया था? तो भारत माता को चित्रित किसने किया था? अवनीनाथ ठाकुर ने किया था। यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन है? तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन सा होगा? ऑप्शन है आपके मीरक मिर्ज़ा घियात, अमजद खान, शेख जिलानी, उस्ताद अहमद लाहौरी। तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो हैं वो ताजमहल के वास्तुकार हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन वास्तुकार से रिलेटेड पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एलोरा की गुफा संख्या रावण की खाई के नाम से, यानी कि रावण की खाई किस गुफा संख्या को कहते हैं? तो गुफा संख्या 14 को रावण की खाई के नाम से बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, बनारस में शाम को किसने चित्रित किया? बनारस में शाम किसने चित्रित किया था? मनु पारेख ने चित्रित किया था। पंजाब गढ़वाल जम्मू के हिमालयन तलहटी में इनमें से कौन सा स्कूल बनाया गया है? तो कौन सा स्कूल है? पहाड़ी स्कूल, यानी कि पहाड़ी शैली बनाई गई है। बुद्ध धर्म का कौन सा वर्ग बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता है जिसने मोक्ष का तरीका खोजा था? यानी कि वो बुद्ध को भगवान ना मान करके एक इंसान के रूप में माना है, तो वो कौन है? तो महायान जो है यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा संप्रदाय था आपका? महायान। क्वेश्चन नंबर 14, इन्हें आपस में मिलाएं, नीली कुम्हारी, फोटोग्राफर, एस पॉल, काली, तैयब मेहता, जयपुर, राजा रवि वर्मा, गैलेक्सी। तो आपका नीली पॉटरी यानी कि ब्लू पॉटरी कहाँ का फेमस है? आपका जयपुर हो जाएगा। और एस पॉल किस में जाएगा? ये फोटोग्राफर में जाएगा। तैयब मेहता किस में जाएगा? काली में जाएगा, ठीक है। और राजा रवि वर्मा किस में चले जाएंगे? गैलेक्सी में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, 1819 में अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? तो सर जॉन स्मिथ ने अजंता गुफाओं की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट ग्रुप्स इवॉल्व अ क्विक मेथड ऑफ पेंटिंग ऑन मिल मेड पेपर? तो मिल मेड पेपर से रिलेटेड यहां पर कौन सा ग्रुप हो जाएगा? तो आपका ये कालीघाट पेंटिंग्स आर्टिस्ट ग्रुप हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? कालीघाट पेंटिंग आर्टिस्ट ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 17, जस्ट इनमें से किसकी त्रिफलक चित्रकारी है? ऑप्शन हैं आपके तैयब मेहता, धनराज भगत, MF हुसैन, कृष्णा रेड्डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, यानी कि तैयब मेहता इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्यूमेंट्री फिल्म इनर आई के निर्देशक कौन थे? तो सत्यजीत रे इनर आईज के निर्देशक थे। क्वेश्चन नंबर 19, पल्ला चित्रकारी यानी कि पाल चित्रकारी में इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? तो ताड़ का पत्ता। क्वेश्चन नंबर 20, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन है आपके राजा जगत सिंह, सवाई जय सिंह, द्वितीय ले कर्ब्यूसियर, सर एडविन लुटियन। तो सवाई जय सिंह द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सवाई जय सिंह द्वितीय आप याद रखिएगा। तो सवाई जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था।
क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस स्कूल में कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे? तो ऑप्शन है आपके लखनऊ स्कूल, जम्मू स्कूल, बंगाल स्कूल या कंपनी स्कूल। तो यहाँ पर कंपनी स्कूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किस कलाकार ने मायूसी को चित्रित किया था? तो सतीश गुजराल यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा कलाकार ओरिगामी शैली में चित्रकारी के लिए प्रख्यात थे? ऑप्शन से आपके तैयब मेहता, ज्योति भट्ट, जय झारोटिया, विमल बनर्जी। तो विमल बनर्जी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का कौन सा रंग भूमि के उपजाऊपन, विकास और मंगलता को दर्शाता है? तो भूमि के उपजाऊपन को कौन दर्शाता है? तो हरा रंग दर्शाता है, यानी कि हरा रंग हरियाली के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण को किसने चित्रित किया था? तो ऑप्शन से आपके निहाल चंद, परखू, साहबदीन, मंसूर। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर राइट? तो निहाल चंद आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, शिवा मुहर कहाँ मिली थी? तो शिवा मोहर कहाँ मिली थी? तो धोलावीरा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो शिवा मोहर आपकी मोहनजोदड़ो से मिली थी। क्वेश्चन नंबर 27, दाखिल दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो दाखिल दरवाज़ा आपका गौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण, यानी कि राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण जो है पहाड़ी स्कूल में बना हुआ, तो किस पुस्तक से प्रेरित है? तो गीत गोविंद पुस्तक से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 29, दशावतार मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? तो दशावतार मंदिर गुप्त राजवंश ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय कलाकार हरेन दास किस चीज़ के लिए प्रख्यात हैं? तो किसके लिए प्रख्यात हो जाएंगे? फोटोग्राफी होगा या मुद्रण होगा या मूर्तिकला होगा या वास्तुकार होगा? तो मुद्रण के लिए प्रख्यात हैं। थीम बलम या तीर्थंकर डैश का प्रतीक एक हाथी है, तो किसका प्रतीक हाथी है? नेमिनाथा का, महावीर का, जतिननाथा का या सैंभवनाथा का? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट है। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो उड़ीसा का सूर्य मंदिर, सूर्य मतलब रवि, रवि सूर्य का ही पर्यायवाची रवि है, तो किस भगवान को समर्पित है? तो रवि यानी कि सूर्य भगवान को, सूर्य देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किस कलाकार ने कूडल नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? तो इनमें से किस कलाकार ने कूडल नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? तो ऑप्शन हैं आपके, देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट है, तैयब मेहता ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 34, तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा चोल फर्स्ट ने करवाया था, ठीक है, तो राजा चोल फर्स्ट ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। पुरुष महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है? यानी कि पुरुष महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है? तो ये किसकी है? के लक्ष्मा गौड़ की कृति है। त्रिमूर्ति इनमें से किस गुफा में है? तो त्रिमूर्ति किस में है? ये आपके एलिफेंटा है, तो एलिफेंटा गुफा भी जो है किसके लिए फेमस है? एलिफेंटा जो गुफा है किसके लिए फेमस है? मूर्तिकला के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 37, हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया था? तो हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया था? तो राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 38, इन्हें आपस में लाएं तो मुगल काल किसे संबंधित है? जहांगीर काल से मेवाड़ जगत सिंह के, किशनगढ़ सावन सिंह, कोटा उमेद सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी का विषय क्या था? यानी कि कंपनी शैली के जो चित्रकार थे सेवक राम, इनका चित्रकारी का विषय क्या था? यानी कि किस पे ये चित्रकारी करते थे, किस विषय पे? तो त्यौहार और समारोह पे चित्रकारी करते थे। क्वेश्चन नंबर 40, कांसे के संचकन में इनमें से किस औजार का इस्तेमाल किया जाता था? ऑप्शन से आपके टैलो, लेविगेटर, लूटो, रॉकर। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? लूटो, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन ऑर्डर ऑफ लो टू हाई मेल्टिंग टेम्परेचर? तो आपको बताना है लो से हाई तक के बताना है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका टिन, फिर लेड, फिर जिंक और सिल्वर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु घाटी के
जडहार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई थी? तो जडहार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई थी? तो ऑप्शन से आपके लोथल, हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका गुवाहाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, सांड की मूर्ति बनाने के लिए कलाकार धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया था? तो धनराज भगत ने सांड की मूर्ति किस माध्यम में बनाई थी? तो लकड़ी से बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 45, अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण करवाया? यानी कि दशरथ ने किस गुफा का निर्माण करवाया था? तो गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी भावना में एक भित्ति चित्र मध्यकालीन संतों का जीवन इनमें से किसने बनाया था? मध्यकालीन संतों का जीवन इनमें से किसने बनवाया था? मध्यकालीन संतों का जीवन, तो विनोदे बिहारी मुखर्जी, यानी कि विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 47, कलाकार एफ एन सूजा का पूरा नाम क्या है? तो एफ एन सूजा का पूरा नाम सबको पता होगा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा है। क्वेश्चन नंबर 48, इन्हें निर्माण के क्रम अनुसार उल्टे क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि सबसे बाद वाली क्या चीज़ को पहले लगाना है और सबसे पहले वाली चीज़ को बाद में लगाना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है, सबसे पहले कुवतुल इस्लाम मस्जिद होता है, फिर ढाई दिन का झोपड़ा, फिर जामा मस्जिद, फिर बादशाह मस्जिद। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, विच प्रिंट मेकिंग टेक्निक इज द आर्टिस्ट कृष्णा रेड्डी फेमस फॉर? यानी कृष्णा रेड्डी जो है किसके लिए फेमस थे? तो ये विस्कोसिटी के लिए फेमस थे। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सा राजस्थानी लघु चित्र स्कूल शिकार के दृश्य के लिए फेमस था? तो शिकार के दृश्य से रिलेटेड कौन बनाता था? तो ये कोटा लघु चित्र शैली, यानी कि कोटा शैली में शिकार के दृश्य ज़्यादा बने हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन सा कलाकार अपने कलाकारी के लिए लकड़ी को जलाता और काटता है? ऑप्शन से आपके सुबोध गुप्ता, जयराम पटेल, नलिनी मालानी, जय झारोटिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा, जयराम पटेल। क्वेश्चन नंबर 52, बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्ध छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक हैं आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका राइट है, यानी कि आनंद कुमार स्वामी जी थे। क्वेश्चन नंबर 53, 2019 में जो आन मीरो पुरस्कार इनमें से किस कलाकार ने जीता था? तो नलिनी मालानी ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 54, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर कितनी गुफाओं की नक्काशी हुई है? बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर कितनी गुफाओं की नक्काशी हुई है? तो 7 गुफाओं की नक्काशी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, यानी कि 7 गुफाओं की नक्काशी हुई है। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कारकोट वंश ने कराया था। मलार कलाकार इनमें से किस माध्यम से काम करने के लिए प्रख्यात थे? तो मलार कलाकार इनमें से किस माध्यम के लिए प्रख्यात थे? तो धातु संचकन के लिए प्रख्यात थे। क्वेश्चन नंबर 57, बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन से आपके 1965, 1949, 1947, 1969। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा, यानी कि 1947 में बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिव वामन मूर्ति इनमें से किस संग्रहालय में स्थित है? ऑप्शन से आपके पटना संग्रहालय बिहार, मैनचेस्टर संग्रहालय इंग्लैंड, सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, शेर राजधानी में घोड़े किसका प्रतीक है? तो राज्य विस्तार का प्रतीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए, कौन कौन से ऑप्शन थे? राज्य विस्तार का, राज्य के अजूबे, राज्य के धीमे कार्य, राज्य की सीमा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। अजंता की गुफाओं के परिसर में 30 गुफाएं हैं, इनमें से 5 गुफाएं यानी कि गुफा संख्या - चैत्य हाल हैं। ठीक है, चैत्य हैं यानी कि दूर छोर पर स्तूप के साथ प्रार्थना हॉल हैं। तो चैत्य होती है और विहार होती, तो चैत्य आपके क्या होते हैं? प्रार्थना स्थल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है या राइट है, यानी कि 3, 9, 10, 19, 26 और 29 आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 61, राजा रवि वर्मा किस कला माध्यम के लिए प्रख्यात हैं? तो राजा रवि वर्मा तैल चित्रकारी के लिए, ऑयल पेंटिंग के लिए प्रख्यात हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम कैन नॉट बी यूज इन इम्पेस्टो टेक्निक? तो इम्पेस्टो टेक्निक में कौन सी चीज़ यूज़ नहीं होती है? तो वाटर कलर आपका यूज़ नहीं होता है, यानी कि जल रंग आपका यूज़ नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 चलते हैं, इनमें से किस साम्राज्य ने चतुष्पक्षीय बाग शैली का इस्तेमाल किया था? तो मुगल साम्राज्य ने चतुष्पक्षीय बाग शैली का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 64, अजंता गुफाओं की चित्रकारी में से किस चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? छदंत जातक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो टू है यहाँ पर राइट है। तो आप याद रखिएगा, भगवान बुद्ध क्या करते हैं? हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं। तो किस में? छदंत जातक में। क्वेश्चन नंबर 65, चेन्नई में ललित कला का सरकारी कॉलेज प्रारंभ में मद्रास कला स्कूल के नाम से जाना जाता था कि स्थापना 1950 में डैश ने एक निजी कला स्कूल के रूप में की थी। तो यानी कि चेन्नई में जो ललित कला का सरकारी कॉलेज है, तो उसका निजी कला स्कूल के रूप में सबसे पहले किसने की थी? तो अलेक्जेंडर हंटर ने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो थ्री है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरहूत स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी? तो भरहूत स्तूप की खुदाई सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने कराई थी। क्वेश्चन नंबर 67, चित्रकारी की पटचित्र शैली किस राज्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो चित्रकारी की पटचित्र शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा राज्य से संबंधित, यानी कि उड़ीसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68, कलाकार कंवल कृष्ण किस तकनीकी के लिए प्रख्यात हैं? किस टेक्निक के लिए प्रख्यात हैं? तो कोलाज प्रिंट के लिए प्रख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डीलिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो डीलिट पुरस्कार से 1950 में किसको सम्मानित किया गया था? तो नंदलाल बसु हैं, यानी कि नंदलाल बोस यहाँ पर राइट आंसर है। इन्हें आपस में मिलाएं, गुप्त काल तो कला का स्वर्ण युग होता है, शाहजहां काल तो वास्तुकला का स्वर्ण युग होता है, बीवी दोषी तो ये वास्तु हो जाएगा, रामकिंकर बैज है कुत्ते के साथ महिला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर राइट है। तो यहाँ पर ये वाला राइट है, जैसा कि सामने आंसर की में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71, कोणार्क मंदिर के रथ को कितने घोड़े खींच रहे हैं? तो ये जो मंदिर है इसके रथ मंदिर कहते हैं, तो उसमें कितने घोड़े लगे हुए हैं? तो 7 घोड़े लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट है, कि तो कितने घोड़े यहाँ पर आंसर जाएगा? तो 7 घोड़े खींच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो अलारा कलमा जो है गौतम बुद्ध के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 73, गोपिनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है? तो कपड़े पर टेम्परा। क्वेश्चन नंबर 74, दर्शनीय मूर्तिकला महिषासुरमर्दिनी इनमें से किस गुफा में है? तो अजंता में है, एलोरा में है, एलिफेंटा में है, बादामी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन एलोरा सही है। क्वेश्चन नंबर 74, दर्शनीय मूर्ति श्रम जीत यानी कि श्रम की विजय किस चीज़ से बनी हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है पीतल सही बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया है? तो कबीर और रैदास को चित्रित किसने किया है? तो उस्ताद फकीरुल्ला खान ने चित्रित किया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 77, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको यूज़ करना, मतलब क्या कहते हैं, उसको लगाना है, उसको सही करना है। तो सबसे पहले आता था वुड ब्लॉक, फिर आया है मूवेबल टाइप, फिर आया है प्रिंटिंग प्रेस, फिर आया है एचिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 78, इन्हें सही कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट है, यानी कि लोमशीर्षि, फिर उसके बाद खंडगिरी, फिर भजा कारला होगा। क्वेश्चन नंबर 79, खिलजी राजवंश के जनक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है सही बताया गया है, जलालुद्दीन खिलजी हैं। क्वेश्चन नंबर 80, राधिका को किसने चित्रित किया है? तो राधिका को एम ए आर चुगतई ने चित्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन से हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है राइट है, बशौली, गुलेर, कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 82, चट्टान से अखंड मूर्तिकला की शानदार उदाहरण पंचरथ स्मारक का परिसर कहाँ है? तो महाबलीपुरम मंदिर। क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से किस कलाकार ने प्रेम कहानी की थीम हीर रांझा पर काम किया था? तो हीर रांझा पर काम किसने किया था? तो ये हो जाएंगे शोभा सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर शोभा सिंह जो है राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 84, नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से कौन सा कलाकार पॉल गॉगियन ताहितियन कला से प्रेरित था या है? तो कौन से हो जाएंगे ये, पॉल गॉगियन से कौन फेमस थी? तो अमृता शेरगिल जो है फेमस थी। तो जिनका जो है जन्म कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं अमृता शेरगिल, के हैबर, राजा रवि वर्मा और असित कुमार हल्दर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी? तो महान विदूषक चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी? तो ये कृष्णा रेड्डी ने बनाई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से किस कलाकार ने कांटा चुभने को चित्रित किया था? तो एन एस बेंद्रे ने चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से किस संग्रहालय में रावण कैलाश पर्वत हिलाते चित्रकारी देखी जा सकती है? यहाँ पर रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए कहाँ पर देखी जा सकती है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? तो कालीबंगा का काले रंग की चूड़िया अर्थ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है यानी कि काली चूड़िया यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, शिव मुहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा गया है? जो इसे घोड़ा नहीं उकेरा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो थ्री है वो आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 92, मद्रास कला स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मद्रास कला स्कूल की स्थापना 1850 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से किस कलाकार ने स्वस्थ शीर्षता चित्र बनाया था? तो स्वस्थ किसने बनाया था? तो अनुपम सूद यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 94, महाराष्ट्र में पीतल खोड़ा गुफाओं में किस कलाकार का नाम उकेरा गया है? तो परखू है, कान्हा, अभिनव है, ललित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो टू है कान्हा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, कलाकार पीवी जानकी राम इनमें से किस चीज़ से काम करते हैं? तो उभारदार यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, अजंता गुफाओं में गुफा संख्या डैश में मरासन राजकुमारी नामक आकृति की चित्रकारी की गई है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो यहाँ पर गुफा नंबर जो 16 हो जाएगा वो आपका राइट होगा। नंबर 16 जो है ये यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। मरासन राजकुमारी कहाँ किस गुफा में चित्रित है? तो अजंता गुफा में, गुफा नंबर 16 में चित्रित हैं। नेक्स्ट है, अजंता गुफाओं की संख्या डैश में फाइटिंग बुल विषय पर एक चित्रकारी है? तो ये में है, तो ये गुफा नंबर 1 में है। तो गुफा नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। ऑप्शन 2 राइट है, यानी कि गुफा कौन सी है? गुफा नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से किस कलाकार ने घाव कागज़ की लुगदी प्रिंट श्रृंखला पर काम किया है? तो कागज़ की लुगदी के लिए यानी कि जो घाव है, तो कागज़ की लुगदी के लिए कौन है? आपके सोमनाथ होर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा चित्रकारी इनमें से लघु चित्र स्कूल से संबंधित है? तो राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा जो है किससे संबंधित है? तो यहाँ पर बूंदी शैली से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है पहला वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100, मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो जी क्लैम पेन एंड इंक, शुगर लिफ्ट, वुड कट। दूसरी तरफ दिया हुआ इंटेग्लियो, रिलीफ प्रिंट, सिल्क स्क्रीन और लिथोग्राफी। तो यहाँ पर जी क्लैम किससे हो जाएगा? तो यहाँ पर सिल्क स्क्रीन से हो जाएगा, और पेन एंड इंक जो है ये आपका लिथोग्राफी से संबंधित है, और शुगर लिफ्ट जो है आपका वो आपका इंटेग्लियो हो जाएगा, और वुड कट आपका क्या हो जाएगा? रिलीफ प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 में दिया हुआ है यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पर राइट है। ये रहे 100 क्वेश्चन जो NVS कला में आए थे 3 अक्टूबर 2019 को। तो ये उसकी ऑफिशियल आंसर की थी। अगर इसमें किसी में ऑब्जेक्शन किसी को करना है तो वो कर सकता है। और यहाँ पर मैंने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, सिर्फ आंसर्स बताए हैं, और फिर इसका डिस्कशन फिर नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।